आपके दिमाग में तो एक बात जरूर आती होगी कि मेरे चैनल प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा है, मेरे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है और वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो खासकर नया यूट्यूबर है उनके लिए काफी परेशानी होती है चैनल को मोनेटाइज करना और अपने वीडियो पे व्यूज बढ़ाना और चैनल पे सब्सक्राइबर गेन करना। क्योंकि दोस्तों, नए यूट्यूबर अपलोड करते हैं लेकिन उनके चैनल पे व्यूज नहीं आता है, चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है और उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है और सोचते होंगे कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं कि मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहा है। सो गाइस, गलती हम ये कर रहे हैं कि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल ठीक से नहीं लगाते हैं, थंबनेल ठीक से नहीं लगाते हैं और डिस्क्रिप्शन भी ठीक से नहीं लगाते हैं। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल का बहुत महत्व है। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल के बाद अगर कोई महत्व रखता है तो वो है टाइटल। अगर टाइटल हम सही से लगा दें तो हमारा वीडियो वायरल हो जाए। सो गाइस, थंबनेल क्या चीज है? थंबनेल मेरा अगर सही है और मेरा टाइटल सही नहीं है तो वो वीडियो मेरा वायरल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो मेरा वायरल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने थंबनेल लगा लिया, थंबनेल लगाने के बाद मैंने सही से थंबनेल लगाया और टाइटल बहुत लंबा लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबा। कितना लोग क्या करते हैं, नए यूट्यूबर के टाइटल बहुत लंबा लिख देते हैं, जैसे 100 वर्ड का रहता है तो वो 100 वर्ड में पूरा टाइटल लिख देते हैं। लेकिन यूट्यूब कहता है कि आप टाइटल 60 से 70 वर्ड में लिखे, यानी आप 50 से 60 वर्ड में लिखेंगे तो और बेहतर होगा। तो इस कारण हमारा जो है वीडियो वायरल नहीं होता है। और बहुत से कारण है कि हमारा वीडियो वायरल नहीं होता है। जैसे सबसे बड़ा चीज है कि हमारा कंटेंट बढ़िया रहना चाहिए, तभी यूट्यूब को लगेगा कि ये अच्छी चीज है, तभी वो यूट्यूब वायरल करेगा। तो गाइज, मेरा भी कुछ यही हाल है, मेरा भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं जिसे मेरे वीडियो पे वायरल नहीं हो रहा है और व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है। हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुपम सिंह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो गाइज, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो जो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज, हम बात करते हैं थंबनेल के। अगर आप लोग थंबनेल अच्छा लगाएंगे तो आपका वीडियो वायरल होगा। जैसे कोई बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे मैं टेक्निकल योगी का नाम ले लेता हूं, वो शॉर्ट में भी टाइटल लिखते हैं तो उनका वीडियो वायरल क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर बहुत हैं, 1.5 मिलियन के करीब उनका सब्सक्राइबर होने वाला है। तो गाइज, नए यूट्यूबर को काफी परेशानी होती है और कंटेंट भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, इस कारण वीडियो वायरल नहीं हो पाता है। तो गाइज, आज हम बताने वाले हैं टाइटल के बारे में, यानी हम जिस तरह से टाइटल लिखते हैं उस तरह से नहीं लिखना चाहिए। किस तरह से हम टाइटल लिखें कि हमारा टाइटल भी सही हो और टाइटल ज्यादा लंबा भी ना लिखें। ज्यादा लंबा लिखने से यूट्यूब सजेशन नहीं देता है। आप टाइटल को छोटा रखें, शॉर्ट में रखें, यानी 50 से 60 वर्ड में रखेंगे तो आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है और मेरा भी वीडियो वायरल हो सकता है। सो गाइज, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से टाइटल लिख सकते हैं। सो गाइज, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपना टाइटल लिख सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप किस तरह से टाइटल लिखेंगे कि मेरा टाइटल अच्छा हो, यूनिक हो, जिससे हमारा वीडियो वायरल हो? सो गाइज, बहुत से वीडियो में टाइटल से ही वीडियो वायरल होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टाइटल से ही हमारा वीडियो वायरल होता है और टाइटल को काफ़ी लंबा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे नए यूट्यूबर हैं जो टाइटल को लंबा रख देते हैं, इस कारण उनका वीडियो वायरल नहीं हो पाता है। सो गाइज, आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सो गाइज, आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइग्यू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है टाइग्यू, इसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सो गाइज, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो गाइज, हम चलते हैं मोबाइल के मेन स्क्रीन पे और ये टैग्यू ऐप ओपन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टैग्यू ऐप ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, इससे आप अपना टाइटल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और अपना टाइटल भी इसमें खोज सकते हैं। सो गाइज, हम क्या करते हैं, टैग्यू ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पहला ऑप्शन है सजेस्टेड कीबोर्ड, सेकंड आता है ऑप्शन गेट टैग्स फ्रॉम यूआरएल, तीसरा ऑप्शन आता है फाइंड कंपटीटर, चौथा ऑप्शन आता है बिल्ट एट ब्लैक लिंक्स, एक छठा ऑप्शन आता है टॉप टैग्स ऑफ टुडे और एक सातवां ऑप्शन आता है मोर एप्स। सो गाइज, इसमें एक पहला ऑप्शन है सजेस्टेड कीबोर्ड, आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सजेस्टेड कीबोर्ड, जिसे हम क्या करेंगे, अपना टाइटल खोजेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जिस भी वीडियो का टाइटल रखना चाहते हैं तो पहले आप इसमें सर्च कर लेंगे, जिस भी वीडियो आप बनाए हैं उस पर टाइटल यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सजेस्टेड कीवर्ड पे सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे
तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सो गाइस आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक यहाँ पे पहले सर्च कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्च का नीचे ऑप्शन आप लोग को दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल सर्च कर लेना है। यहाँ दोस्तों टाइटल सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कॉइन मास्टर, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ कॉइन मास्टर और यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। देखिए मैंने कॉइन मास्टर सर्च किया और इतने सारे टाइटल आ गए। यहाँ दोस्तों इतने सारे टाइटल आ गए। तो गाइस आप भी जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक यहाँ पे सर्च कर लेंगे, वो टाइटल यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सो गाइस यहाँ से टाइटल आप दो चार टाइटल दे सकते हैं अपने वीडियो में। यहाँ दोस्तों आप यहाँ से सजेशन ले सकते हैं और अपने वीडियो का टाइटल भी यहाँ से लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से दूसरा टॉपिक सर्च किया, कुछ भी आप टॉपिक सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाइटी स्टूडियो एक फिर से एक टॉपिक सर्च कर लिया। यहाँ दोस्तों यहाँ पे बाइटी स्टूडियो आप क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे से फिर से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और बहुत सारे यहाँ पे टाइटल आप लोग के दिख जाते हैं। तो गाइज हम भी इस तरह से टाइटल अपना यहाँ से सजेशन ले सकते हैं और अपने वीडियो में अच्छी तरीके से वो टाइटल रख सकते हैं। सो गाइज आप यहाँ से तीन चार टाइटल यहाँ से आप सजेस्ट कर लेंगे और जो भी आपको अच्छा लगे कि ये टाइटल मेरा अच्छा है, तो आप क्या करेंगे यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें ऐड कर देंगे। तो गाइज आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है और मेरा भी वीडियो वायरल होने का चांस रहता है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।